हरे कृष्णा। विजडम टेल्स इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल द्वारा हम भगवद गीता का तत्वज्ञान, सारे भक्ति शास्त्रों का तत्वज्ञान आपके सामने छोटी छोटी कहानियों के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज चिंतन करते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरन भावान त्यजतंते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्युशय्या पे जिस बात का चिंतन करता है, जिस भाव में वो रहता है, उसी भाव का शरीर उसे अगले जन्म में मिलता है। तो यदि कोई कुत्ते का चिंतन कर रहा है तो उसे कुत्ते का जन्म मिलेगा। यदि कोई हिरण का चिंतन कर रहा है, जैसे हमने भरत महाराज के जीवन में देखा कि भरत महाराज ने अपने मृत्युशय्या पे एक हिरण का चिंतन किया और अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर लेना पड़ा। तो यदि कोई जीवित स्पीशीज का यानी जीवित योनि का स्मरण करता है तो वही योनि उसे प्राप्त होनी है। पर यदि कोई निर्जीव वस्तु का ध्यान करता है तो उस वस्तु के रिलेटेड जो भी बर्थ है, जो भी योनि है, उसका हमें शरीर लेना पड़ता है। जैसे कोई धन संपत्ति का विचार करता है, बहुत ही आसक्त है उस धन संपत्ति से और उस धन संपत्ति का चिंतन करता है, धन का घर का चिंतन करता है, तो उसे मे बी नेक्स्ट लाइफ में छिपकली या चूहे का जन्म लेना पड़ सकता है। तो एक छोटी सी कहानी है इस बारे में। एक बार की बात है, एक गांव में कैलाश नाम का व्यक्ति रहा करता था। बड़ा आसक्त था अपने परिवार से, अपने धन संपत्ति से। तो नारद मुनि उसके पास एक दिन आए और नारद मुनि ने कहा कि हे कैलाश, चलो वैकुंठ घूम के आते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। तो कैलाश ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और उन्हें थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, बाद में कभी जाएंगे फुर्सत में। तो बहुत सालों बाद नारद मुनि फिर से आए और पूछा कि हे कैलाश, लेट्स गो बाबा, दर्शन लेके आते हैं, भगवान विष्णु का कृपा मिलेगी। नहीं 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 नहीं, बच्चों की अभी अभी शादी हुई है, पोते का पोती का चेहरा तो देखने दीजिए, बाद में कभी फुर्सत में आएंगे। अभी कैलाश बहुत बूढ़ा हो चुका था। नारद मुनि फिर से आए और उन्होंने बोला, हे कैलाश, बूढ़े हो गए, अभी पोता पोती सब कुछ हो गया, लेट्स गो। कैलाश ने कहा, वो सब ठीक है, पर हमारे पोते पोती का ध्यान कौन रखेगा? तो अभी नहीं, बाद में कभी आते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, तथास्तु, आपकी जैसी इच्छा। नारद मुनि फिर से आए बहुत सालों बाद, तो उन्होंने देखा कि घर में तो कैलाश नहीं है। तो पुत्रों ने कहा, कैलाश का तो देहावसन हो गया। नारद मुनि ने सोचा, अरे हाँ, कोई गया होगा कोई योनि में जिसके प्रति वो आसक्त होगा। तभी उसने, जब घर से बाहर पड़ रहे थे नारद मुनि, तो उनके ऊपर एक कुत्ता भौंक रहा था, भौ भौ इस प्रकार से। तो नारद मुनि ने सोचा, अरे ये कौन है? नारद मुनि को तो सबकी भाषा अवगत है, तो उन्होंने कुत्ता उनसे बोलने का प्रयास करता था। नारद मुनि, मैं हूँ कैलाश। बहुत ही खुश था वो कुत्ता। तो नारद मुनि कहा, अरे मैंने आपको कहा था, इतना चिंतन मत करिए, भगवान का चिंतन करिए, वैकुंठ आप जा रहे थे, ये क्या कुत्ते के रूप में आ गए, आप कुत्ते की योनि में आ गए। कैलाश ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस कुत्ते के यूनिफॉर्म में, मुझे मैं पूरे घर का अच्छा से देखभाल कर सकता हूँ, मेरे बच्चे आपको पता है कितने केयरलेस है। नारद मुनि ने कहा, अरे भाई ये सब छोड़, मेरे साथ वैकुंठ चल। बोले, नहीं नारद मुनि, मुझे यहाँ पे ही रहना है थोड़े दिन, और मैं देखता हूँ जब तक मेरे बच्चे अच्छे से केयर करने लग जाएंगे पूरे घर का, तब मैं तो छोड़ के आने वाला आपके साथ। नारद मुनि ने कहा, तथास्तु, तो जैसी आपकी इच्छा। फिर से बहुत साल बाद नारद मुनि आए, ढूंढ रहे थे वो कुत्ते को, कुत्ता कहाँ दिखा नहीं। तो बच्चों ने कहा, कुत्ता तो मर गया। बाद में जैसे ही वो बाहर जा रहे थे, वहां पे उन्होंने एक सांप देखा। सांप उनसे बात करने की कोशिश करता था, हे नारद मुनि, मैं हूं कैलाश। नारद मुनि बोला, अरे कैलाश, अरे अब तो सुधर जा, तू तो सांप की योनि में चला गया, कैलाश चल वैकुंठ धाम जाते हैं। नहीं नहीं नारद मुनि, ये मेरे बच्चे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये पूरा खेत ऐसे ही पड़ा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कोई इंसान आता है धान चुराने के लिए, मैं उसके ऊपर हिस कर देता हूँ, मैं उसको डराता हूँ, तो इस प्रकार से मैं घर की रक्षा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अरे सब हो जाएगा, तू चल वैकुंठ धाम। बोले, नहीं नारद मुनि,
मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा आपके साथ। तो इस प्रकार से कैलाश जो था अलग अलग योनि में जा रहा था, क्योंकि एक ही कारण था, वो है अटैचमेंट। तो जो भी भाव का हम स्मरण करेंगे उसी भाव का शरीर हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। तो हम किस भाव का स्मरण करने वाले हैं ये हमारा पूरा जीवन चरित्र हमें बताएगा। तो किसी चीज़ का हमें अंतकाल में स्मरण करना है तो उसके लिए हमें पूरे जीवन भर उस भाव में रहने की आदत करनी पड़ेगी। तो यदि हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो ही अंतकाल में हम कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे और वैकुंठ धाम जा पाएंगे। यही है तात्पर्य ये 8.6 का। धन्यवाद। हरे कृष्ण।